अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आप सब देख रहे हो मेरी रमज़ान रूटीन। तो यहाँ पर आ गए हम लोग इफ्तारी बनाने के लिए। सॉरी मैंने सहरी का शूट नहीं की बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। इफ्तारी में हम लोग बना रहे चिकन का सालन विद ज़ीरा राइस और थोड़े से फ्राई आइटम्स बनाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आज मैं इफ्तार में बना रही चिकन का सालन और जीरा राइस। रोज ऑयली खा के थक गए तो आज कुछ अलग बनाते हैं इफ्तार में। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे चिकन का सालन बनाने के लिए 4 टेबल स्पून ऑयल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम लोग डालेंगे 1 तेज पत्ता, ये पुलाव पत्ती, 4-5 काली मिर्ची और 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये बादियान का फूल 2। तो हम लोग ये सब मसाले डालेंगे, आप अपने पसंद से कोई भी गर्म मसाला डाल सकते हैं। हम लोग इसको 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक स्लाइस में काट के। प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे टोमेटो। ये 2 मीडियम साइज के टोमेटो, इसको बारीक काट करके लियो, वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा टोमेटो अच्छे से मैच नहीं, जब तक हमारा टोमेटो अच्छे से पिघल नहीं जाता है। अब हमारा टोमेटो भी अच्छे से पिघल गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट तक भूनेंगे जब तक उसकी कच्ची स्मेल नहीं जाती। लेंगे हम लोग सूखे मसाले, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून बड़ी सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और ये बिरयानी मसाला है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला, ये एवरेज कट चिकन मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला ले सकते हैं, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। ये यहाँ पर मैंने ली 1 किलो चिकन, ये अब हम लोग इसमें डालेंगे। अब हम लोग इस चिकन को भी 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब हमारा चिकन भी अच्छे से भून गया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम लोग दही, ये 2 चम्मच दही है वो हम लोग इसमें डालेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे ये हमारे सूखे मसाले जो मैंने आपको बताई, अब हम लोग इसमें सब डालते हैं। इसको हम लोग करेंगे अच्छे से मिक्स। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, चिकन है ना, नहीं तो टूट जाएगा। अब हम लोग डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार। अब हम लोग फ्लेम को लो करेंगे। अब हम लोग इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता है। इसमें मैंने पानी ज़रा भी नहीं डाली हूँ, जो चिकन और दही का पानी छूटेगा ना उसी में हमारा चिकन पक के रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकाएंगे ढक के। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के लिए बना रहे हैं प्याज की भजिया। तो यहाँ पर हम लोग ने काट कर लिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको ऐसे बारीक कट करके लिए। यहाँ पर मिर्ची कट करके डाल रहे हैं, इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, फिर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे ढेर सारी धनिया जिसको मैंने बारीक कट करके ली हूँ, कोथिंबीर और इसमें डालेंगे बेसन। इसको अब हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें जो है ज़रा भी पानी नहीं डालेंगे, प्याज अपना पानी छोड़ता है इसलिए इसमें हम लोग बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर रेडी है बढ़िया सा एक मिक्सचर, अब हम लोग इसकी भजिया बना कर लेंगे। यहाँ पे चिकन का सालन बनकर रेडी है, माशाल्लाह क्या तेल आया देखो ऊपर।
इसमें मैंने ज़रा भी पानी नहीं मिलाई हूँ, चिकन और दही का पानी है वो ही, खुद देखिए कितना सारा आ गया और तेल भी सरफेस पे आ गया है। हमारा चिकन बन के रेडी है। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम लोग इस टाइम पे इसमें पानी मिलाएंगे, इससे पहले मैंने ज़रा भी इसमें पानी नहीं मिलाई हूँ। तो पानी अब अपने हिसाब से मिलाइए, आपको जितना पतला चाहिए उतना पतला सालन कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी मिलाऊंगी और इसको करूंगी एक बार मिक्स। अब इसमें हम लोग डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको करेंगे हम लोग अच्छे से मिक्स। अब इसको हम लोग 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इसके बाद हमारा सालन बनके रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसको हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म इफ्तारी के बाद, तब तक हम लोग अभी भजिया बना के लेते हैं। उसी फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल, गर्म होने के लिए रखेंगे ऑयल को। कैसे ढक्कन लगते हो? ये तंदूरी समोसे हैं, इसको मैंने फ्रिज में बना करके रखी थी। इसकी रेसिपी है ना मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तंदूरी समोसा ये बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो अभी हम लोग इसको फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने रखी हूँ, तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम लोग एक एक करके समोसे डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया, इसमें हम लोग एक एक करके समोसा फ्राई करेंगे। अब समोसा फ्राई करके रेडी है, हम लोग इसको निकालेंगे बाहर। उसी ऑयल में हम लोग भजिया फ्राई करके लेंगे। हमारी भजी बनके रेडी है, अब हम लोग इसको निकालेंगे प्लेट में। देखिए कैसे लग रही है, बहुत ही कुरकुरी बनती है भजी। इफ्तारी में यहाँ पर मैंने लगड़ा भी बनाई हूँ, अब मैं इसको सर्व करूँगी मेरे स्टाइल में। अब हमारा सालन बनकर रेडी है, देखिए कैसे तेल भी ऊपर आ गया सरफेस पे, पूरा तरी ऊपर बन गई है। अब हम लोग फ्लेम को करेंगे ऑफ, इसको हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म इफ्तारी के बाद जीरा राइस के साथ। और यहाँ पर जो है लगड़ा बनकर रेडी है, तो इसको मैं निकाल रहे एक बाउल में। इसमें मैंने ऑलरेडी है ना चिली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर, जब मैं इसको तड़का देती हूँ ना तब मैंने डाल दी थी। अब इसमें हम लोग डालेंगे इमली का पानी, हरा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पर हम लोग लगड़ा बना कर लेंगे, जैसे मुंबई साइड में मिलता है ना उसी तरीके का यहाँ पर हम लोग लगड़ा बनाएंगे, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर बना रही है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे इमली का पानी, देन उसके बाद डालेंगे हरा धनिया और इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, बस चुटकी भर हल्की हल्की सी, चुटकी भर हल्की हल्की सी। जब हम लोग छोटे थे ना तभी हम लोग के यहाँ पे स्टॉल लगती थी, तो तभी हम लोग को 50 पैसे में एक लगड़े की आटी मिलती थी, तो ऐसे ही बनाते थे। तो उस स्टाइल में मैंने आज बनाई हूँ। और यहाँ पर आगे हम लोग फ्रूट्स कट करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग कट कर रहे हैं पपैया, और यहाँ पे कट कर रहे हैं वाटरमेलन। और फ्रेंड्स आज बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे फ्रूट्स है पपैया, मैंगो, आम का सीज़न हो और आम ना हो तो फिर क्या मज़ा, केला, और यहाँ पे चीकू, और ये यहाँ पर वाटरमेलन। यहाँ पर हम लोगों ने बनाए सादी सीधी सी शरबत, और यहाँ पर मैं बना रही फालूदा। तो थोड़ा लेंगे दूध, उसमें डालेंगे हम लोग रूह अफ़ज़ा शरबत, उसके बाद डालेंगे हम लोग ये होले और आइसक्रीम, ढेर सारी आइसक्रीम डालेंगे। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पर फालूदा बनकर भी रेडी है। ये आप अकेली पियेंगे क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो हम लोग पीते नहीं है सवाल। तारी में है तंदूरी समोसा, प्याज की भजिया, लगड़ा और फ्रूट्स, और यहाँ पे फालूदा, यहाँ पे शरबत भी है।
तो फ्रेंड्स ये है मेरे इफ्तारी का दस्तरखान, तो आप सब भी आ जाइए इफ्तारी करने के लिए। तो यस फ्रेंड ये है मेरी इफ्तारी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।